सेल किसकी है, फ्रंट लोड की या टॉप लोड की? पाकिस्तान में। और वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में होती है, ये इन्वर्टर नहीं होती, वो अपने एम्पेयर को। और ये वाली कितने केजी की है? ये 8.5 केजी की है सर। अच्छा, इसका मॉडल? ये सर 85-BP12826। ये 1200 RPM के साथ इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की है। दोस्तों, अगर आपकी बड़ी फैमिली है और आपका हैवी यूज है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स का, तो उस केस में मैं आपको पानी सही नहीं ले सकती। व्यूअर्स, ये गोल्डन टिप है आपके लिए भी कि किस तरह से आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी मशीन की लाइफ लंबी हो। मिनिमम प्राइस आपको ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स में टॉप लोड में मिलेगी 32,500। उसमें सबसे सस्ती मशीन का मॉडल और प्राइस क्या है? उसमें जो सबसे सस्ती मशीन है ना इस वक्त वो सर, ये जबरदस्त है कि आपको 67,000 में 15 केजी की। मुझे तो बहुत पसंद आई है। अब देखते हैं कि बेगम को भी पसंद आती है कि नहीं, उनको मैं दिखाऊंगा। अगर उन्होंने यस किया तो फिर ही मैं इसको उठाऊंगा, क्योंकि डेफिनेटली इस्तेमाल तो उन्होंने ही करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियर बिलाल जफर आज आपको एक और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर पर लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल मैं मार्केट सर्वे कर रहा हूं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेने के लिए, तो आज मैं हायर स्टोर पर आया हूं और देखते हैं कि इनके पास जो हायर की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हैं उनकी क्या प्राइसेस हैं और किस तरह के फीचर्स हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। हसनैन साहब, आप हमें दिखाएं हायर की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। आपके पास फ्रंट लोड और दोनों है? अवेलेबल है सर, दोनों अवेलेबल है। आप पहले बताएं कि ज्यादा सेल किसकी है, फ्रंट लोड की या टॉप लोड की? पाकिस्तान में ज्यादातर टॉप लोड की, लेकिन अभी जो उनसा है, जो अब जो रेशो है ना वो बढ़ती जा रही है फ्रंट लोड की भी। अच्छा, जो प्राइस वाइज अगर हम बात करें, टॉप लोड रिलेटिवली सस्ती रेंज से स्टार्ट होती है या फ्रंट लोड? टॉप लोड। क्या वजह इसकी आपके ख्याल में? इसकी वजह ये है सर कि एक तो ये रिजनेबल प्राइस में है, दूसरा इसमें यह वजह है कि वो इम्पोर्टेड आ जाती है, ये लोकल असम्बल्ड में आ जाती है, इस वजह से इनकी प्राइस रेंज में फर्क आ जाता है। अच्छा, उसके अंदर बिल्ट इन हीटर होता है? इसके अंदर हीटर नहीं होता। हाँ। ये पानी खुद गर्म करना पड़ता है, इसके अंदर मिक्सचर लगाना पड़ता है आपको, जो नॉर्मल घरों में आजकल लगा होता है। ओके। उसके अंदर मिक्सचर लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में गर्म पानी की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज खातून ने खुद हाथ तो डालने नहीं है, खुद तो कुछ करना नहीं है, वो तो सारा कुछ कपड़ों में और पानी में खुद ही मशीन करेगी, तो गर्म पानी की ज़रूरत होती है? बिल्कुल होती है सर। देखें, कुछ दाग ऐसे होते हैं कपड़ों के ऊपर जो ठंडे अच्छा। पानी से नहीं जाते, गर्म पानी से भी जाते हैं कुछ दाग। ओके। तो इस वजह से गर्म पानी का होना ज़रूरी होता है उसकी वजह से। जी सर, सर्दियों में अक्सर ज़्यादातर आप घर में लेडीज़ देखें तो वो गर्म पानी से कपड़े धोती हैं। टॉप लोड वॉशिंग मशीन को भी अगर हम वाटर इनलेट सोर्स ऑफ वाटर है गर्म पानी की प्रोवाइड करते हैं, तो मेरे ख्याल में सेम ही बात हो जाएगी फिर? फिर सेम बात नहीं हो जाएगी। दूसरा फ़र्क क्या आ जाता है कि वो मैक्सिमम 1950 वाट लेती है जब आप हीटर ऑन करते हैं, और वो मिनिमम तकरीबन आप कह लें कि 10-12 एम्पेयर लेती है वो। अच्छा, और वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में होती है, ये इन्वर्टर नहीं होती, वो अपने एम्पेयर को गिराती है। अच्छा, स्टिल एक ही जगह पे अपने एम्पेयर नहीं रखेगी। ये फर्क आ जाता है। टॉप एनर्जी सेविंग है वो, बिजली के बिल में बचत भी करती है। मतलब टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में हमें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी नहीं मिलती, वो सिर्फ फ्रंट लोड में है। ओके, तो जो हायर की फ्रंट लोड में आप इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की बता रहे हैं, उसमें सबसे सस्ती मशीन का मॉडल और प्राइस क्या है? उसमें जो सबसे सस्ती मशीन है ना इस वक्त वो 7 KG में है। ओके। 70 BP12829। ओके। वो तकरीबन आपको 72 के करीब पड़ती है। ओके। जी सर। तो उसमें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है? सर, हायर की जितनी भी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है ना वो सारी इन्वर्टर है अब जो आ रही है, जो न्यू लेटेस्ट अराइवल आ रहे हैं। अच्छा जी सर। ओके, तो इनकी वारंटी कितनी होती है? इनकी वारंटी सर 10 ईयर मोटर वारंटी होती है, 1 ईयर पार्ट्स एंड सर्विस वारंटी है। आपके पहले साल में घर आने के कोई चार्जेस नहीं है, विजिट चार्जेस जो नुमाइंदा कंपनी का आएगा। वैसे नॉर्मली लोगों को जो कंप्लेंट्स आती हैं मोटर में, कह तो कुछ नहीं सकते, देखें बिजली पे चलने वाली चीज़ें कंप्लेंट आ जाती है, लेकिन ज़्यादातर अक्सर औकात कस्टमर ये कहता है कि वॉशिंग मशीन पानी नहीं ले रही, जबकि हम कस्टमर को यहाँ पर बताते भी हैं कि जो इसकी बैक साइड पर पानी की इनलेट है उसके अंदर फिल्टर होता है, उसको लाजमी साफ़ करें। ओके। क्योंकि पानी में अक्सर औकात मिट्टी भी आ जाती है जो फिल्टर में आके फंस जाती है, जिसकी वजह से मशीन पानी सही नहीं ले सकती। व्यूअर्स, ये गोल्डन टिप है आपके लिए भी कि किस तरह से आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी मशीन की लाइफ लंबी हो। तो आपने पानी की वो जो मोटर इनलेट है, जो फिल्टर है, उसको साफ करना है। पानी की जो इनलेट है ना, जो वॉशिंग मशीन की अपनी है, उसके अंदर एक फिल्टर लगा हुआ है। अगर आप गौर से देखें पाइप उतार के, ठीक है, वो सर ये फिल्टर होता है। वॉशिंग आपका सही पानी नहीं ले रही, ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका फिल्टर चेक करें खुद ही, पाइप और इसका पाइप भी इजीली है। अच्छा, खुद ही उतार के आप खुद ही फिल्टर चेक कर लें, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, वो ये चीज़ है सर फ्रंट लोड में। ओके, ये ऊपर लिखा हुआ है, इसमें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी होती है और इसके 1000 RPM होते हैं। अच्छा, 1000 राउंड्स पर मिनट। जी, पर मिनट।
और 15 मिनट में ये क्विक वॉश करती है, अगर आपने कोई चीज जल्दी धोनी है तो मिनिमम इसमें 15 मिनट है। और ये वाली कितने केजी की है? ये 8.5 केजी की है सर। अच्छा, इसका मॉडल? ये सर 85-BP12826। ये 1200 RPM के साथ इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। इसकी क्या प्राइस है? ये सर 83 की है। देखें, हर कस्टमर एक जैसा नहीं आता कि कोई कहे कि मैं 80 की मशीन ले लूं, 90 की ले लूं। अगर हर बंदे की अपनी गुंजाइश के हिसाब से होता है, अगर तो उनकी गुंजाइश होती है ज़्यादा की तो हम उनको कहते हैं कि आप बड़ी लें, ताकि आप कोई कंबल वगैरह भी धो लें, क्योंकि बड़ी चादरें भी धो लें। अच्छा, 7 kg में, क्योंकि बेसिकली आपको इनके टप में इतना फ़र्क नज़र नहीं आएगा, इनकी मोटर की हॉर्स पावर में मेन फ़र्क नज़र आता है। अच्छा जी सर, तो कंबल अगर ना हो तो उसके लिए मिनिमम केजी कितना होना चाहिए? कंबल के लिए सर मिनिमम आप जो है ना धुलने को तो सर 9 kg में भी धुल जाता है सिंगल कंबल, लेकिन जो डबल कंबल है वो 15-12 kg में ही धुलेगा मिनिमम, वो टॉप लोड में धुलेगा। सही, मिनिमम 9 kg होना चाहिए। जी मिनिमम 9 kg होना चाहिए। और इस तरह जैसे आप फ्रंट लोड में 10 kg पे आ जाएं, जी 10 kg में आप देखें इसमें भी आपका कंबल इजीली धुल जाता है। अच्छा। अब इसका आप अंदर से टॉप देखें, हाँ। इसमें सिंगल कंबल इजीली धुल जाएगा, डबल बेड शीट धुल जाती है, इस तरह की चीजें धुल जाती है। लेकिन अगर डबल वो जो बड़े साइज का कंबल होता, बड़े साइज का कंबल टॉप लोड में धुलेगा सर, धुल जाता है, इसमें भी धुल जाता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो वो टॉप लोड की कितनी मिनिमम हो केजी उसके लिए? 9 kg हो, और उसमें फिर आप बड़ी भी ले सकते हैं। अब जिस तरह 15 kg है, 15 kg में हायर के टॉप लोड के 4 मॉडल्स आते हैं। अच्छा ठीक है, उसकी जब मिनिमम प्राइस है वो 56 से स्टार्ट होती है। जी जी। ठीक है, 56, 57, 58 और इसी में एक आती है 67। प्राइस इसकी सर 72,000। तो टॉप लोड में दिखाएं सर, टॉप लोड में आपको जिस तरह मैंने अभी बता रहा था कि 15 kg में एक मॉडल ये आ जाता है, एक मॉडल ये आ जाता है, एक मॉडल ये आ जाता है। अच्छा ठीक है, इन दोनों में, इन तीनों में जो सबसे सुपीरियर अभी तक का जो मॉडल जा रहा है वो ये वाला मॉडल आ रहा है सर, 150-1678 इसका मॉडल नंबर है। दूसरा ये है कि इसके अंदर आप देखें कि आपको प्रॉपरली उन्होंने फंक्शन बताए कि ब्लैंकेट धोने का, टॉवल धोने का, बच्चों के कपड़े धोने का, मतलब एक अलग अलग प्रॉपरली फंक्शन बताया। वो इस वजह से जब आप इस ऑप्शन पे जाते हैं, एक बात है कि जैसे आप टॉवल पे जाते हैं, आप जब टॉवल डालेंगे ना इसके अंदर, ठीक है, जी जी। तो मोटर ने उस फंक्शन के हिसाब से इसका वेट उठाना है। अच्छा, अगर आप इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर भी देखें टॉवल ब्लैंकेट का ऑप्शन है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऑप्शन ज्यादा है, एयर ड्राई, टॉप ड्राई, चाइल्ड लॉक, रिजर्व वाटर, इस तरह के ऑप्शंस में। अब इसके अंदर है ना, इसके अंदर अगर आप जाते हैं तो इसके अंदर एयर ड्रायर का ऑप्शन नहीं आता जी। इसके अंदर कर्टन का आ जाता है, टॉवल का आ जाता है, उसके अलावा लाइट क्विल्ट का आ जाता है, स्टैंडर्ड क्विक कॉटन, इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं। और सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल, अच्छा ये जबरदस्त है कि आपको 67,000 में 15 kg की मिल रही है, 15 kg में मिल रही है। कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है। और इसके अंदर 2 फिल्टर्स होते हैं टॉप लोड वॉशिंग मशीन में जी, एक फिल्टर यहाँ पे लगा हुआ है, एक फिल्टर यहाँ पे लगा। इसमें तो बड़ा कंबल भी इजीली, बड़ा कंबल इजीली धुलेगा सर। अच्छा, इसके अंदर आपकी डबल बेड शीट्स धुल जाती है। इस मॉडल का नाम क्या है? 150-1678 इसके अंदर सर 12 kg में आता है और 9.5 kg में आता है। ये तीन वाले की प्राइस क्या है? ये 67। ओके, और इसमें ये लगी है 12 kg। अच्छा, इसी तरह की शेप होती है, सिर्फ केजी में फर्क होता है। वो वॉशिंग के दौरान लेती है 500 वाट जी, इसी में ये फिर ये चीज आ जाती है, ये भी 20-30 वाट इससे कम लेती है उससे। अच्छा 15 kg, क्योंकि ये 12 kg में आ जाती है। इसकी प्राइस क्या है? ये सर 60,500 की मिलेगी, इसी में अगर आप 9.5 लेते हैं तो वो 50,000 की मिलेगी। ओके दोस्तों, अगर आपकी बड़ी फैमिली है और आपका हैवी यूज है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स का, तो उस केस में मैं आपको ये वाली सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये टॉप लोड है, इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, 15 kg की है। और ये कितने में मिल रही है? ये 67,000 में आपको 15 kg की फ्रंट लोड में कभी भी नहीं मिलेगी, टॉप लोड में मिल रही है। और सबसे ज्यादा बिकने वाला इसीलिए इसको माना जा रहा है क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज्यादा और प्राइस कम है। आप हमें बताएं कि 9 kg, वो जो मैंने आपको मॉडल बताया था 15 kg और 12 kg, उसके अंदर 9.5 kg ये पड़ी। ओके, दिस वन, ये उसी का मॉडल जी सर। ये पिलो ड्रम टेक्नोलॉजी के जी, बिल्कुल सर, पिलो ड्रम। आजकल जो लेटेस्ट आ रहे हैं, इस ड्रम को ज्यादातर आप डायमंड ड्रम भी कहते हैं। ओके ओके, तो इसकी क्या प्राइस है? ये 50,000 की मिलेगी सर। ये है 9 kg की, 9.5 kg की। इसके अंदर भी वही पैनल बैक साइड के ऊपर है जी। और दूसरा ये है कि इसका जो ऑप्शन हैं सेम ऑप्शन के साथ है। अच्छा, पहले कस्टमर होते थे, कुछ कस्टमर्स कहते थे कि ये फ्रंट पैनल है, इसके ऊपर पानी ना गिर जाए, ख़राब ना हो जाए, ठीक है। तो कुछ कस्टमर हैं जो बैक पैनल पे पसंद, लेकिन जो अगर आप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन पे जाते हैं तो पानी गिरने का कोई खतरा, कोई चांस ही नहीं होता। ओके,
ओके, ये आपने कितने केजी की? ये 50,009.5 केजी। और मॉडल इसका? इसका मॉडल सर 95-1678। अगर 9.5 में लेंगे तो 95 से शुरू होगी, अगर 12 केजी में लेंगे तो 120 से शुरू होगी, लेकिन सीरीज एंड वाली वही रहेगी 1678। ओके, अगर 15 केजी में लेंगे तो वो 150-1678। वो वाली 8.5 केजी की है? नहीं सर, ये वाली तो 11 केजी में आती है। इसमें ये 8.5 किलो में एक ये चीज आ जाती है सर जी। और एक चीज ये आ जाती है 8.5 किलो में। अच्छा, ये चीज है। ओके, ये वाला मुझे ओल्ड मॉडल लग रहा है क्योंकि इसके अंदर का ड्रम का डिजाइन नहीं, मॉडल ये दोनों एक साथ आए हैं, सिर्फ इन दोनों में अब फर्क क्या आ रहा है, जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है उसके अंदर उन्होंने ड्रम को चेंज कर दिया, पिलो ड्रम कर दिया। बिल्कुल सर। अच्छा जी, ये कितने केजी की है? ये 8.5 केजी है सर। 8.5। और इसकी क्या प्राइस है? ये सर मिलेगी आपको 35,000 की। 85,000 की। आपको कोई उसमें परेशानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। और इसका 85-1708। अब इसके अंदर एक आता है 12 केजी में, एक 15 केजी में, जो मैंने आपको बताई थी 56,000 की, और इसमें 12 केजी और 8.5। अब इसके अंदर आता है 8.5 और 15 केजी। अच्छा, ये प्राइस जरा बताएंगे हायर की आफ्टर सेल्स सर्विसेज कैसी है सर? लोगों को ये होता है कि एक दफा हम ले बैठे चीज तो उसके बाद ऐसा तो नहीं होगा, खुदा ना खास्ता कोई कंप्लेंट? ब्रांड अगर आप कोई भी ले लेना, बड़े से बड़ा ब्रांड, वो सिर्फ अपनी सर्विस की वजह से माना जाता है। ठीक है, हायर ने अगर आज अपना नाम बनाया तो अपनी सर्विसेज की वजह से नाम बनाया जी। ठीक है, हायर में अल्लाह ना करे कोई भी प्रॉब्लम होता है, ऑल पाकिस्तान आप इसके टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, विद इन अ 24 आवर बंदा आपके घर आता है, और कोई भी प्रॉब्लम होता है वो बंदा हल करके जाता है इस चीज़ को। अच्छा, और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन कोड भी आता है, 4 डिजिट का कोड होता है, वो जब तक आप उसके काम से मुतमईन नहीं होते आप उसको 4 डिजिट कोड नहीं देंगे। सस्ती ये 7.5 केजी है। कौन सी? वो फर्स्ट वन पे जो लगी हुई है, ये वाली सर, ये ओल्ड मॉडल है। अच्छा। लेकिन अभी तक का सबसे बेस्ट मॉडल है जो अभी भी लोग पसंद कर रहे हैं। अच्छा, 7.5 किलो। 7.5 किलो एक इसमें आती है, 8.5 किलो भी आती है इसके अंदर। इसका मॉडल नंबर है? ये 75-918। ओके, और ये कितने की मिल रही है? ये मिलेगी सर 32,500 मिनिमम प्राइस। मिनिमम प्राइस मतलब आपको ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स में टॉप लोड में मिलेगी 32,500 की। और इसकी इंटीरियर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें पिलो ड्रम कर दिया उन्होंने। सेम पिलो ड्रम है, मतलब टेक्नोलॉजी तो लेटेस्ट ही है। सब लेटेस्ट है सर, सब लेटेस्ट है। ये आप जैसे कह रहे हैं ये पुराना मॉडल है जी सर, तो टेक्नोलॉजी वाइज कोई फर्क नहीं है? टेक्नोलॉजी वाइज इसमें थोड़ा बहुत फर्क है, इसके अंदर आप देखें फंक्शंस वगैरह सेटिंग नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। अब इसके अंदर जिस तरह ये फंक्शन बताए हैं, हैवी, क्विक, नॉर्मल, इस तरह के ऑप्शन बताए हैं, इसके अंदर देखें आपको ऑप्शन नहीं है। ओके, इसके अंदर आपने पावर ऑन करनी है, स्पिन टाइम सेलेक्ट करना है, वॉश टाइम सेलेक्ट करना है, और कपड़ों को डाल देना। वैसे नॉर्मली लोग खवातीन कपड़े इसी तरह धोती हैं, ज्यादा सेटिंग्स नहीं करती? नहीं नहीं, जस्ट आप 15 मिनट आप क्विक वॉश पे जाएं और 15 मिनट में आपको कपड़े धुले हुए मिलेंगे। कोई कोई लेडीज है कि फंक्शन समझ के उसको यूज करती है? बिल्कुल सर, नॉर्मली लोग बस क्विक सेटिंग में उसको यूज करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपके ख्याल में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स नॉर्मल या सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स की निस्बत ज्यादा बिजली खाती हैं? बिल्कुल सर, अब इनकी जो सेमी ऑटोमेटिक है इनके अंदर वो मोटर होती है तकरीबन 80-85 वाट्स की। ठीक है, इनके अंदर मोटर आपको जैसा मैंने बताया इसके अंदर मिनिमम मोटर होगी 350-400 वाट की जी, तो बिजली में फर्क आता है लेकिन इतना फर्क नहीं आता। तो दोस्तों अभी तक जितनी मशीन देखी है इस शॉप पर मैंने, उनमें मुझे सबसे ज्यादा ये वाली पसंद आई है। ये है हायर की HWM85-826 और ये है 8.5 केजी की, और ये मुझे मिल रही है 35,000 में, टॉप लोड में है, और 2020 में लॉन्च हुई थी, और इसके अंदर भी पिलो ड्रम टेक्नोलॉजी है। आपको पता है मेरी फैमिली साइज के हिसाब से 8.5 केजी तो मुझे काफी होगा, मुझे तो बहुत पसंद आई है। अब देखते हैं कि बेगम को भी पसंद आती है कि नहीं, उनको मैं दिखाऊंगा, अगर उन्होंने यस किया तो फिर ही मैं इसको उठाऊंगा, क्योंकि डेफिनेटली इस्तेमाल तो उन्होंने ही करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जर्नी वॉशिंग मशीन पसंद करने की पसंद आ रही होगी, और आपको बहुत अच्छा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। दोस्तों अगले पार्ट में देखिएगा कि आखिर मैंने कौन सी मशीन ख़रीदी और बेगम का उस पर रिएक्शन क्या आया। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, उसका लिंक मैं बनाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वो भी ज़रूर देखिएगा। आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए, और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए।